हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव। और लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी आपसे लॉ विज़न के बारे में। आज हम बात करेंगे लॉ विज़न के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपके DSSSB में आए थे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 129 वाला क्वेश्चन है आपका। एन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिस्टम विच डज नॉट फॉल अंडर द विजुअल इम्पेयरमेंट। ऐसा कौन सा ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सिस्टम है जो विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर नहीं आता। फर्स्ट वन इज ह्यूमन गाइड, सेकंड केन ट्रैवल, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल एड्स, फोर्थ क्लचेस। तो इसका आंसर जो होगा आपका, आप पहले देखो क्या होगा फिर मैं बताता हूँ आपका। इसका आंसर होगा क्लचेस, क्योंकि क्लचेस ऐसा है, क्लचेस यूज करने के बाद भी जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाला चाइल्ड होता है उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसलिए ह्यूमन गाइड अगर कोई भी यूज कर रहा है विजुअल इम्पेयरमेंट वाला, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, केन ट्रेवल में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एड्स में भी प्रॉब्लम, बट क्लचेस यूज करते हुए उसको जब भी किसी की नीड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर क्लचेस होगा। आगे चलते हैं। नॉर्मल विजुअल एक्यूटी इज रिकॉर्डेड एज, ये मैंने आपको लो विजन की वीडियो में पढ़ाया था। इसका आंसर जो होगा आपका 20/20 होगा, फर्स्ट ए होगा, ये वाला होगा 20/20, क्योंकि नॉर्मल विजुअल एक्यूटी 20/20 होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिम्टम्स ऑब्जर्व इन द विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन, फर्स्ट वन इज रब्स आई एक्सेसिवली, आई लुक रेड रिम्ड, थर्ड फील डिफिकल्टी इन रीडिंग और डूइंग द टास्क, फोर्थ है डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं विजुअल इम्पेयरमेंट वाले चाइल्ड में सारे ही होते हैं, कोई स्पेसिफिक एक नहीं होता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नॉर्मल पर्सन फील्ड ऑफ विजन, नॉर्मल पर्सन की फील्ड ऑफ विजन क्या होती है? 60 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 90 डिग्री। ये भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ा है। नॉर्मल पर्सन की जो फील्ड ऑफ विजन होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका आंसर सी होगा, 180 डिग्री। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, लास्ट ईयर ही आया था स्पेशल एजुकेटर का, 17/10/2021 में। इफ अ चाइल्ड हीज मूव्स हिज हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाइल लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, विच डिसेबिलिटी है? तो उसको कौन सी डिसेबिलिटी होगा अगर चाइल्ड सीट पे बैठा है और वो सीट पे आगे बैठ के अपना जो हेड है वो आगे या फिर पीछे कर रहा है, तो आपको जो उसको कौन सी डिसेबिलिटी है? उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सेरेब्रल पाल्सी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर ऑटिज्म है? तो इसका आंसर होगा आपको विजुअल इम्पेयरमेंट, क्योंकि उसे देखने में दिक्कत हो रही है आगे पीछे, इसलिए वो अपना हेड फॉरवर्ड कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैव टू डेवलप ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी स्किल मतलब घूमने, जो घूमना होता है या फिर चलने फिरने में, हमें किसको ये स्किल जो है डेवलप करानी होती है? ये है फिजिकली चैलेंज बच्चों को, हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों को, विजुअली इम्पेयर्ड वालों को या फिर मेंटली चैलेंज्ड को? तो इसका आंसर होगा आपका विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड वाले चिल्ड्रन को हमें जो है ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल सिखानी पड़ती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका। वट अ पर्सन विद लो विजन मे बी एबल टू सी, जो लो विजन पर्सन होता है वो क्या देख सकता है? तो पीपल विद लो विजन कैन सी क्लियरली, पीपल विद लो विजन आर नॉट एबल टू सी लाइट कलर, मूवमेंट, डायमेंशन, शेप एंड साइज। पीपल विद लो विजन में सी लाइट कलर, मूवमेंट, डायमेंशन, शेप एंड साइज, या फिर पीपल विद लो विजन कैन नॉट सी एनीथिंग। तो ये तो नहीं होगा, ए और डी तो नहीं होगा, बाकी इसका आंसर होगा आपका सी। पीपल विद लो विजन में एबल टू सी, वो लाइट कलर देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं, डायमेंशन भी देख सकते हैं और शेप और साइज भी देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइट ब्लाइंडनेस इज मोस्टली कॉज ड्यू टू विटामिन डैश डेफिशिएंसी। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। तो इसका आंसर होगा सी, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, और इस वीडियो में मैंने आपको लो विजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बता दिया जितने भी आए थे DSSSB के अंदर। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, डिसेबिलिटी को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।